दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, जो कि बीए बीएससी और बीकॉम थर्ड पार्ट का जो 19 से 22 सेशन है उसका डेट शीट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मेरा कौन से डेट में एग्जाम्स हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो ग्रुप ए का देखते हैं, ग्रुप ए में फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस आता है। तो ग्रुप ए का एग्ज़ाम कब है? तो 12 को है, ग्रुप ए को फिफ्थ पेपर है। फिर देख लेते हैं कब है, तो 15/9/2022 को है, फोर्थ पेपर है, सॉरी सिक्स्थ पेपर है। उसके बाद फिर देखते हैं 21/9/2022 को सेवेंथ पेपर है, फिर 24/9/2022 को एट पेपर है। तो ये ग्रुप ए का हो गया, ग्रुप ए में पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स आता है। ग्रुप बी में आप देख सकते हैं एंशेंट हिस्ट्री कल्चर, एंशेंट हिस्ट्री एंड कल्चर, बॉटनी और हिस्ट्री उर्दू, तो इस सब का देख लेते हैं। तो देखिए ग्रुप बी का 14/9/2022 को फिफ्थ पेपर है। उसके बाद आपको ग्रुप बी का, ग्रुप बी को देखिए 12/9/2022 को है फिफ्थ पेपर। उसके बाद 15/9/2022 को ग्रुप बी का है सिक्स्थ पेपर। फिर 24/9/2022 को है ग्रुप बी का एट पेपर। तो ये ग्रुप बी का हो चुका है। अब हम देख लेते हैं ग्रुप सी में कौन कौन से आते हैं। कॉमर्स आते हैं, उसके बाद सोशल वेलफेयर, मैथिली, म्यूजिक एंड जूलॉजी आता है। तो ग्रुप सी को 13/9/2022 को है फिफ्थ पेपर। फिर 16/9/2022 को ग्रुप सी का पेपर सिक्स है। फिर आप 22/9/2022 को देख सकते हैं ग्रुप सी का सेवेंथ पेपर है। और लास्ट जो कि 27/9/2022 को ग्रुप सी का एट पेपर है। ये टोटली ऑनर्स पेपर हम अभी बता रहे हैं। अब चलते हैं ग्रुप डी में, तो केमिस्ट्री, हिंदी और साइकोलॉजी ऑनर्स है। तो ग्रुप डी का देख लेते हैं कब है। तो 13/9/2022 को ग्रुप डी का फिफ्थ पेपर है। उसके बाद 16/9/2022 को ग्रुप डी का सिक्स्थ पेपर है। उसके बाद 22/9/2022 को ग्रुप डी का सेवेंथ पेपर है। उसके बाद 27/9/2022 को ग्रुप डी का एट पेपर है। अब ग्रुप ई में देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स और सोशोलॉजी है। तो ग्रुप ई का एग्जाम्स कब से स्टार्ट है? तो ग्रुप ई का देख लीजिए यहाँ 20/9/2022 को सिक्स्थ पेपर है ग्रुप ई का। और 14/9/2022 को ग्रुप ई का फिफ्थ पेपर है। 23/9/2022 को सेवेंथ पेपर है ग्रुप ई का। और लास्ट 28/9/2022 को एट पेपर है ग्रुप ई का। अब देख लेते हैं ग्रुप एफ का। ग्रुप एफ में एंथ्रोपोलॉजी है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, फिलोसफी है, रूरल इकोनॉमिक्स, संस्कृत है। तो ग्रुप एफ का अब देख लेते हैं। ग्रुप एफ का देख लीजिए 14/9/2022 को फिफ्थ पेपर है। उसके बाद 20/9/2022 को ग्रुप एफ का सिक्स पेपर है। उसके बाद 23/9/2022 को ग्रुप ई का सेवेंथ पेपर है। और लास्ट 28/9/2022 को ग्रुप ई का एट पेपर है। तो ये तो हम ऑनर्स का बता दिए हैं। अब हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और सेंटर लिस्ट भी जारी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।
जैसा कि इसमें आपको हम बता दें, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का CM साइंस कॉलेज में आपको RM कॉलेज दरभंगा और MK कॉलेज का सेंटर आया है। MLSM में दो कॉलेज का सेंटर आया है, मिलत कॉलेज दरभंगा और MG कॉलेज दरभंगा का आया है। KS कॉलेज में भी दो कॉलेज का सेंटर आया है, CM कॉलेज दरभंगा, MMTM कॉलेज दरभंगा का आया है। CM कॉलेज दरभंगा में तीन का आया है, MLSM कॉलेज दरभंगा और एनझा महिला कॉलेज लहरियासराय दरभंगा और सब डिविजनल डिग्री कॉलेज बेनीपुर दरभंगा का आया है। मिलत कॉलेज में देख लेते हैं, दो कॉलेज का सेंटर आया है, KS कॉलेज और MK कॉलेज लहरियासराय का आया है। फिर मरवाड़ी कॉलेज में देख लेते हैं, CM साइंस कॉलेज और LCS कॉलेज का आया हुआ है। एनझा महिला कॉलेज लहरियासराय में एक कॉलेज का सेंटर आया है, MRSM कॉलेज आनंदपुर दरभंगा का आया है। RBJ कॉलेज बेला दरभंगा में दो कॉलेज का सेंटर आया है, मरवाड़ी कॉलेज और QAD कॉलेज जाले का आया है। JK कॉलेज बिरौल में आया है, चार कॉलेज का सेंटर, JN नेहरा और बेहरा कॉलेज, JD कॉलेज और RJDS कॉलेज लगमा दरभंगा का आया है। MGM कॉलेज दरभंगा में दो कॉलेज का सेंटर आया है, MM कॉलेज और RBJ कॉलेज बेला दरभंगा का आया है। फिर 11 नंबर पे है सब डिविजनल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेनीपुर में चार कॉलेज का सेंटर आया है, JK कॉलेज बिरौल का, BMA कॉलेज बेहरी का, AMM कॉलेज बेनीपुर का और SBD कॉलेज का है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।